गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, वो रेसिपी ब्लॉग है। मैंने अपने घर में कुछ रेसिपी जो मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ, वो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करी है। संडे को जो मेरे यहाँ स्पेशल ब्रेकफास्ट और जो लंच बना था, तो सोचा मैं क्यों ना उसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करूँ। तो कोशिश करी है मैंने अच्छा बनाने की और अच्छे से अच्छा आप लोगों को उसमें शो करने की कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए लेके चलते हैं कि आज मैंने लंच में और ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। एक्चुअली ये वीडियो संडे की है, बगैर कुछ रीजंस की वजह से अपलोड हो सकता हो एक दिन बाद आए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ गाइज, मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आइए आप लोग को लेके चलते हैं अपने किचन में। गाइज, मैं बस ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ नमकीन सेवैयाँ, और ये है नमकीन सेवैयाँ की इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले आप सेवई को अच्छे से रोस्ट कर लें, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसको अच्छे से रोस्ट करें। उसके बाद पीनट भी आप अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट करके रख लीजिए। और उसके बाद बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल लीजिए, उसमें कड़ी पत्ता, ऑनियन और ये हल्दी, धनिया, मिर्चा, सारे मसाले डाल के फिर उसके ऊपर से मैगी मसाला स्प्रिंग करके अच्छे से उसको भून लीजिए। ऑनियन को आप गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। आप अगर वेजिटेबल्स से वही बनाना चाहते हैं तो उसमें आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ सबको ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, थोड़ा सिंपल ही पसंद है, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। आई हो उसके बाद जब ये मसाला आपका अच्छे से हो जाए, फिर आप इसमें पोटैटो डाल सकते हैं। उसके बाद नमकीन सेवई डालने के बाद एक ग्लास तक इसमें वाटर डाल दीजिए, अकॉर्डिंग टू आपकी कितनी सेवैयाँ हैं। फिर थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद आपकी गर्मा गर्म सेवई रेडी हो जाएंगी, और उसे पीनट और भुजिया के साथ खाइए, बहुत ही यमी लगती है। चाय के साथ ब्रेकफास्ट में लीजिए, और ये देखिए गाइस दर्श को कितनी मज़ा आई खाने में।